और मेडिकल कॉलेज जिसके सामने है, और इधर साइड आप देखें किस तरीके से, अभी देखेंगे कितना निर्माण जो है। जय श्री राम, मैं हूं पवन यादव अयोध्या से। सो गाइस, आज हम आपको अंबेडकर नगर रोड का अपडेट देते हैं, और इस रोड का चौड़ीकरण के साथ साथ डिवाइडर का काम, और NH 27 के पास आप देखेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी मैं आशापुर साइड में हूं। तो और यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से कंडीशन है, और यहाँ पर निर्माण जो हो रहा है इस रोड का, और यहाँ से अंबेडकर नगर रोड तक पूरा अंबेडकर नगर तक पूरा चौड़ीकरण जो है वो हो रहा है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग का टाइम अयोध्या में काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि निर्माण की वजह से पूरे अयोध्या का माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। और दोनों साइड आप देखेंगे यहाँ पर दुकानें हैं जो बहुत सारी टूट गई हैं इस रोड चौड़ीकरण में, और इधर साइड आप देखेंगे यहाँ पर नालियों का काम हो रहा है किस तरीके से, और ऐसे बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं अपने अयोध्या में। तो देखेंगे ये पुलिया बनाई जा रही है, और पुलिया इस नाले तालाब की वजह से बनाई जा रही है, और इस तालाब में सारे गाँव का पानी जो है वो जाएगा। और इधर साइड आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइडर का काम हो रहा है किस तरीके से, ये डिवाइडर जो है ये आप देखेंगे हर मार्केट में तो तैयार हो गया है, अभी दर्शन नगर में जो है वो निर्माण अभी बचा हुआ है। और आप देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड किस तरीके से धूल उड़ रहा है। तो अयोध्या में अगर आप आते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम सही रहेगा आपको घूमने में, और इवनिंग टाइम सही रहेगा घूमने में, बाकी दोपहर में आप मत घूमें, वरना आपको लू भी लग सकती है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो देखेंगे किस तरीके से डिवाइडर जो है इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है अभी, और बीच में अभी देखें कितना स्पेस है, कितनी जगह अभी बची हुई है इधर। इस पर लैंप लगेगा, स्ट्रीट लाइट वगैरह, हो सकता है इस पर पेड़ वगैरह का भी बंदोबस्त हो, क्योंकि आप देखेंगे दोनों साइड में पेड़ जो है वो कट गए हैं, तो इस वजह से शायद इसके बीच में पेड़ लगाए जाएँ, और अच्छी बात है अगर पेड़ लगाए जाएंगे इन्वायरमेंट को लेकर, और इन्वायरमेंट को लेकर भी ध्यान देना चाहिए अपने सरकार को, अयोध्या नगर निगम को, क्योंकि पेड़ की कमी बहुत ज़्यादा हो गई अपने अयोध्या क्षेत्र में इस वजह से। तो देखिए किस तरीके से अभी ये जो चौड़ीकरण है इसमें बहुत सारे जो गेस्ट हाउस हैं, आगे गेस्ट हाउस हैं उनके गेट वगैरह भी टूट गए हैं, जिनके घर हैं मेडिकल थे वो भी टूट गए हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जो दशरथ मेडिकल कॉलेज है दर्शन नगर वहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से जो डिवाइडर है इसके काम अभी हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, और जो इसकी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो छात्र शक्ति है, और इसका प्लांट जो है ये पूरा बाज़ार में लगा हुआ है। तो इसका जो टाइमिंग है ये तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट इसको बहुत अभी ये बहुत लेट में चल रहा है, और जो रोड है इसका निर्माण देखिए अभी प्रेजेंट टाइम का निर्माण जो है किस तरीके से अभी देखने मिलता लगता है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, इधर साइड आप चेक करो ये पूरा किस तरीके से जो निर्माण है वो चल रहे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड देखेंगे यहाँ पर गिट्टी बिछा के और ऊपर से पानी वगैरह लगा दिया गया है, और इसके ऊपर से पहले RCC जो है हल्का सा डालेंगे, RCC इसका रोड बनाएंगे, उसके ऊपर से तारकोल का जो है वो लगाएंगे। इसी तरीके से निर्माण जो है NH 27 के पास हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ सब भी होगा, और बहुत ही जल्द ये निर्माण जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दिया गया है सावधान का। इधर साइड आप देखें किस तरीके से फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो चल रहा है इधर साइड, और इधर साइड आप देखेंगे किनारे आपको गटर दिख जाएंगे। देखिए निर्माण जो है किस तरीके से चल रहे हैं, अभी मॉर्निंग टाइम है इसलिए अभी वर्कर आपको नहीं दिखेंगे, और मॉर्निंग टाइम मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो घर मेडिकल ये सब आगे से जो थे वो सब टूट के पीछे बन चुके हैं, देखिए दोनों साइड में कुछ इस तरीके से। और फ्लाईओवर का निर्माण आप देखिए, ये चेक करो किस तरीके से आपको देखने के लगता है, और ये इतना फ्लाईओवर जो है अभी बना हुआ है फाटक के पहले, और मेडिकल कॉलेज जो इसके सामने है, और इधर साइड आप देखें किस तरीके से अभी देखेंगे कितना निर्माण जो है ये अभी हुआ है।
इधर साइड चेक करो, और वो वाइट वाला जो देख रहे हैं यही दशरथ मेडिकल है। इधर साइड में आपको दिखाता हूँ, इधर साइड आप देखेंगे जो वाइट वाला है राजकीय दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है, और ये फ्लाईओवर का निर्माण उसके आगे किया जा रहा है। ये दर्शन नगर फाटक है, और इसका जो ट्रैक है उसका डबल कर दिया गया है, डबलिंग इसकी हो गई है काफ़ी दूर तक, और ये अकबरपुर से बाराबंकी और शायद लखनऊ तक इसको डबलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो जो है डबलिंग हो चुकी है, और नए दर्शन नगर रेलवे स्टेशन का निर्माण भी हो चुका है, जो कि मैं अगर इसकी अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दर्शन नगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखें किस तरीके से फ्लाईओवर के जो निर्माण है वो अभी हो रहे हैं। इधर साइड ये चेक करो गाइस, ये आप देखोगे किस तरीके से जो निर्माण है वो किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो घर वगैरह हैं आगे पूरा टूट चुके हैं। इधर साइड आप देखें, हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखें किस तरीके से जो फ्लाईओवर के निर्माण में घर दुकानें यहाँ हुआ करती थी, ये सब पूरा टूट गए हैं। और इधर साइड में निर्माण जो है ओवरब्रिज का कंटिन्यू चल रहा है, और बहुत ही तेज़ी से इसका जो निर्माण है वो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी कवर किया है ये प्रोजेक्ट, जो कि दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के पास में जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और आगे आएंगे आप तो आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से जो घर वगैरह आगे हुआ करती थी, दुकानें वगैरह आगे हुआ करती थी, सब हट चुकी हैं यहाँ से दोनों साइड में। देखिए दोनों साइड में देखेंगे दुकान का जो कंडीशन है और मार्केट की कंडीशन आप चेक करो किस तरीके से हो गई हैं। और यहाँ से भी आप आचार्य सकरा होते हुए परिक्रमा मार्ग पर जा सकते हैं। देखिए मार्केट का कंडीशन आप चेक करो, अभी ये मॉर्निंग टाइम है इस वजह से आपको भीड़ नहीं नज़र आएगी, वरना आपको इतनी भीड़ आपको दिखेगी अपने अयोध्या में, पहले से ज़्यादा भीड़ अब अयोध्या में हो चुकी है। तो इस वजह से अयोध्या का कोना कोना चौड़ा हो रहा है, जितने भी रोड हैं चाहे छोटी हों बड़ी हों, गुप्तार घाट जाने वाला रास्ता जो है न्यावा से गुप्तार घाट वो भी चौड़ी हो रही है। तो ये चेक करो पूरा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें डिवाइडर का काम होगा, और उसके बाद आपको दोनों साइड में रोड देखने को मिलेगा। कुछ आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, नमूना दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मार्केट जो है इसके भी निर्माण बहुत ही जल्द शुरू होगा। इधर साहब होटल वगैरह हैं, मुरली मार्केट ये है, मैंने आपको बताया मार्केट में डिवाइडर का काम होगा बीच में, और किनारे किनारे से रोड दिए जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप सूर्यकुंड में देखने को मिल रहा है। ये सूर्यकुंड का है, ये दर्शन नगर पुलिस चौकी है, उसके बगल में ही आपको प्राचीन सूर्यकुंड दिख जाएगा। ये चेक करिए जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको डिवाइडर दिख जाएगा और बीच से दोनों साइड से रोड दिख जाएंगी। इसी तरीके से दर्शन नगर में भी आपको मार्केट में इस रोड का नमूना कुछ देखने को मिलेगा। और ये चेक करो पूरा किस तरीके से आपको ये सूर्यकुंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आइए इवनिंग टाइम, यहाँ पर लेजर शो भी होता है, पर डे लेजर शो होता है, तो आप आइए यहाँ पर आराम से भक्ति में लीन हुई है। और सूर्य देवता का जो प्राचीन स्टोरी है, जो इतिहास है ये इस कुंड का और अपने अयोध्या का, वो देखिए लेजर शो के द्वारा। और यहाँ से सीधे अगर आप जाते हैं तो अकबरपुर जाएंगे, और इधर से हम अगर लेफ्ट जाते हैं तो अयोध्या की तरफ लेकर जाएगा ये। तो इधर साइड आप देखेंगे तो ये सीधे 4 नंबर बूथ होते हुए ये आपको लता मंगेशकर नया घाट के पास निकालेगा। तो देखिए इस रोड को भी बहुत ही जल्द चौड़ी किया जा रहा है, इसका भी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस रोड चौड़ी होना है। और ये क्योंकि ये सीधे नेशनल हाईवे NH 27 पर जाकर मिलाता है, और यहाँ से बस वगैरह भी ट्रांसपोर्ट जो है वो रन करती है। देखेंगे 1.50 मीटर ऐसे से करके यहाँ पर लिए गए हैं, 4.25, और जो घर हैं घरों पे मोहर लग चुके हैं, यहाँ पर वाइट वाले देखेंगे 0.90 लगे हुए हैं। और इधर साइड आप देखेंगे ये रोड को भी बहुत जल्द चौड़ी किया जाएगा, तो इसका भी मैं अपडेट लेकर आऊँगा जब ये चौड़ी होने लगेगा। ये चेक करो पूरा, और आपको लेकर चलते हैं पूरा
दिखाते हैं किस तरीके से जो रोड है आपको दिखता है ये। और अगर आप अकबरपुर से आते हैं या पूरा बाज़ार से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो इसी रोड से आप NH 27 पे जाके सीधे नया घाट जो है वहाँ जा सकते हैं। तो ये आप चेक करो, और इसके सीधे ही आप जाओगे तो आप सीधे अयोध्या की तरफ और सिटी के अंदर परमहंस की तरफ जा सकते हो, मणि पर्वत की तरफ। और इस रोड को एक नाम से और भी जाना जाता है, 14 कोस परिक्रमा मार्ग। तो आप जानते ही हैं कि जितना परिक्रमा मार्ग है, चाहे 5 कोस हो या 14 कोस हो, उस रोड को चौड़ी किया जा रहा है। तो भाई एक ट्रैवलिंग कर रहा है तो इनको भी हम अपने वीडियो में लेते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इधर साइड आप चेक करो। जय श्री राम। और कहाँ से? रुकिए रुकिए, साइड 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 साइड। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? प्रभास। प्रभास, तो आप पैदल आ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना दिन हुआ ट्रैवलिंग किए हुए? अभी 2 महीना होने वाला है। 2 महीना नंगे पैर कर रहे हैं आप? हाँ जी। अरे वाह, तो देखिएगा आप राम भक्त निकल चुके हैं और देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और नंगे पैर, तो बहुत ही बड़ी बात है। और इनका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं। और कहाँ तक आपको जाना है? केदारनाथ तक। तो आप अयोध्या अभी आ रहे हैं दर्शन करने? आए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा लगा। तो आप पैदल चलोगे कि मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं, पैदल जाना, पैदल ही जाना है। अच्छा, सो गाइस आप देखिए किस तरीके से जो राम भक्त हैं वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और ये अप्रैल से चले हुए हैं पैदल, वो भी नंगे पैर। तो आप समझ सकते हैं कि राम भक्त कोने कोने से और दिल से रहते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको मानना हो वो दिल से माने, वरना ना माने। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि बनारस की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप ज़रूर उस पर प्यार भी बरसाइएगा। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम।